बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज दोस्तों सबसे आसान और कम वक्त में रूहानी ताकत को हासिल करने का एक ऐसा बेहतरीन और ज़बरदस्त बहुत ही ताकतवर अमल जो कि आपको हम आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं आप सभी नाजरीन किराम ने हमारे चैनल को और हमें बहुत प्यार दिया है इसके लिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं और आप सभी के लिए हम आज यह बहुत ही प्यारा कुरान पाक का मुजरब अमल लेकर हाजिर हुए हैं इसे करने से आप में रूहानी ताकत आ जाएगी सूरह कोसर का यह अमल है यह पांच दिन का अमल है किस तरह से इस अमल को करना है इसका तरीका क्या है क्या शरायतें इस अमल में फॉलो करनी है एक एक चीज़ के बारे में हम आपको तफसील से इस वीडियो में बताएंगे। आप सभी नाजरीन से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है मगर आज की वीडियो बहुत ही खास है बहुत ही मुजरब अमल है दोस्तों इसलिए वीडियो को पूरा देखें वीडियो को स्किप करके या बीच में छोड़ के ना जाएं तो दोस्तों पाँच दिन का यह अमल करके आपकी पहाड़ जैसी मुसीबत ही क्यों ना हो वो भी दूर हो जाएगी और आपके दिल की कोई भी तमन्ना हो कोई भी मुराद हो इस अमल से अल्लाह सुबहान पूरी कर देगा इन और आप एक बड़ी रूहानी ताकत के मालिक बन जाएंगे तो दोस्तों सूरह कोसर की फजीलत बहुत ही आला है जिसको पूरा बयान करना इस वीडियो में मुमकिन नहीं है मगर जो भी शख्स सूरह कोसर की तिलावत करता है यानी सूरह कोसर को रोज़ पढ़ता है उस शख्स के घर में कभी मोताजगी नहीं आती शैतान कभी उस शख्स पर साया नहीं करता सूरह कोसर पढ़ने वाले शख्स का कोई भी काम नहीं रुकता कोई काम बिगड़ता नहीं है इस सूरा को पढ़ने वाला शख्स हर जगह कामयाब होता है उसके हिस्से में उसके नसीब में अल्लाह हु कामयाबी लिख देता है तो नाजरीन क्राम पाँच दिन का यह अमल है महज पाँच दिन में आप एक रूहानी ताकत के मालिक बन जाएंगे इस अमल को आप चढ़ते महीने की किसी भी जुमेरात यानी किसी भी गुरुवार से कर सकते हैं बन सके तो आप इसको नौ चंडी जुमेरात से शुरू करें अगर ना हो निकल जाए नौ चंडी जुमेरात तो आप किसी भी चढ़ते हुए महीने की जुमेरात से इसको कर सकते हैं आपको इस अमल को बाद नमाज ईशा नाफिल की नमाज पढ़ के ग्यारह बार दरूद पाक पढ़कर मसल्ले पर बैठकर कर सूर्य कोसर पहले दिन पाँच सौ बावन बार पढ़नी है आखिर में वापस ग्यारह बार दरूद पाक पढ़ना है दूसरे दिन इसी तरह ईशा नाफिल नमाज पढ़ने के बाद ग्यारह बार दरूद पाक और पाँच सौ बावन बार सूरह कोसर पढ़नी है तीसरे दिन आपको उसी शाकिलत से यानी नमाज ईशा के बाद नाफिल पढ़नी है और ग्यारह बार दरूद पाक पढ़नी है और फिर पाँच सौ त्रेपन मरतबा तीसरे दिन पाँच सौ त्रेपन मरतबा आपको सोह कोसर की तिलावत करनी है चौथे दिन भी आपको पाँच सौ त्रेपन मरतबा उसी शाकिलत से सरह कोसर की तिलावत करनी है और पाँचवें दिन आपको उसी शाकिलत से ईशा की नमाज के बाद नाफिल की नमाज अदा करके ग्यारह मरतबा दरुद पाक पढ़कर पाँच सौ चौवन बार सूरह कोसर पढ़नी है यानी पहले दो दिन पाँच सौ बावन पाँच सौ बावन बार पढ़ना है और तीसरे और चौथे दिन पाँच सौ तिरपन बार पढ़ना है और पाँचवें दिन आपको पाँच सौ चौवन बार पढ़नी है पाँच दिन का अमल है इस अमल को करने के बाद आप रोज़ाना इकतालीस बार इशा की नमाज के बाद सूरह कोसर की तिलावत करें ऐसा आपने 40 दिन तक करना है इकतालीस मरतबा आपको 40 दिन तक पढ़नी है जिससे कि आप सूरह कोसर के आमिल बन जाएंगे और आप में रूहानियत आ जाएगी रूहानी ताकत के आप मालिक बन जाएंगे और इस अमल के ज़रिए आप अपनी किसी भी हाजत को पूरी कर सकते हैं कोई भी ऐसा मसला जिसका हल नहीं निकल रहा हो तो यह अमल को करने से इस अमल को करने से आपके हर मसले हल हो जाएंगे चाहे मसला मोहब्बत का हो कोर्ट कचहरी का हो पुलिस केस का हो या मसला मियाँ बीवी के झगड़े का हो मसला किसी मंसूबे को कामयाब करने का हो अपने दुश्मनों से भी हिफाज़त होती है यानी कोई भी परेशानी हो वह सारी परेशानियां दूर हो जाएगी आपका हर काम कामयाब हो जाएगा नाज़री ने किराम यह इतना मुजरब अमल है कि जिंदगी में तो आपको रूहानियत अता करता है बाद फोत यानी मरने के बाद आपकी कब्र में भी इसकी रूहानियत आपके साथ रहती है उम्मीद करता हूँ आपको यह अमल पसंद आया होगा तो हाज़रात हमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल इस्लाम वाले को बराए मेहरबानी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके आज की वीडियो में इतना ही इजाज़त चाहेंगे आपसे खुदा हाफिज़